14 फरवरी 2019 एक ऐसा दिन जो भूल कर भी नहीं भुलाया जा सकता। कैसे भूल जाए उस दिन को जिस दिन न जाने कितनी ही माओं ने अपने घर के चिराग को पुछते हुए देखा। कैसे भुलाया जा सकता है वो पुलवामा हमला जिसने हमारे भारत के वीर पुत्रों की शहादत ली थी, जिसने इतिहास के पन्नों में अपनी जगह बनाई। ये बच्चे वीर गति को प्राप्त हुए थे। आपको बता दें कि यह हमला इतना घातक था जिसने इतिहास के पन्नों में अपनी जगह बनाई और हमारे दिलों में भी। जी हाँ, हम इस दिन की बात कर रहे हैं जिसे आज लोग ब्लैक डे के रूप में याद कर रहे हैं। इन बीसीएम की ओर से उन सभी वीर गति प्राप्त शहादतों को, हमारे सुरक्षा कर्मियों को शत शत नमन। चौदह फरवरी का दिन भारत के इतिहास में काला दिन माना जाता है, क्योंकि आज ही के दिन पुलवामा हमले में देश के 40 जाबाज शहीद हो गए थे। आज पुलवामा अटैक की चौथी बरसी है। आज जम्मू कश्मीर में हुए पुलवामा हमले की चौथी बरसी पूरे देश में नम आंखों के साथ मनाई जा रही है। 14 फरवरी 2019 जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग से करीब 2500 जवानों को लेकर 78 बसों में CRPF का काफिला गुजर रहा था। सड़क पर उस दिन भी सामान्य दिनों की जैसे ही आवाजाही थी। CRPF का काफिला पुलवामा पहुंच ही रहा था, तभी सड़क की दूसरी तरफ से आ रही एक कार ने CRPF के काफिले के साथ चल रहे वाहन को जबरदस्त टक्कर मार दी। जैसे ही सामने से आ रही SUV जवानों के काफिले से टकराई, वैसे ही उसमें विस्फोट हो गया। इस घातक हमले में CRPF के 40 बहादुर जवान शहीद हो गए। धमाका इतना जबरदस्त था कि कुछ देर तक सब कुछ धुआं धुआं हो गया। जैसे ही धुआं हटा, वहां का दृश्य इतना भयानक था कि इसे देख पूरा देश रो पड़ा। उस दिन पुलवामा में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जवानों के शव इधर उधर बिखरे पड़े थे। चारों तरफ खून ही खून और जवानों के शरीर के टुकड़े दिख रहे थे। जवान अपने साथियों की तलाश में जुटे थे। सेना ने बचाव कार्य शुरू किया और घायल जाबाजों को तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया। घटना के बाद पूरे देश में हाहाकार मच गया। ये हमला जम्मू और कश्मीर के पुलवामा जिले के अवंतीपुरा के निकट लेतपुरा इलाके में हुआ था। इस हमले को अंजाम पाकिस्तान में स्थित इस्लामिक आतंकवादी समूह जैश ए मोहम्मद द्वारा दी गई, जिसके बाद ही पाकिस्तान ने इस हमले की निंदा की और अपने जिम्मेदारी लेने से साफ इनकार कर दिया। रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया कि आतंकियों द्वारा इस्तेमाल किया गया वाहन महिंद्रा स्कॉर्पियो था, जिसमें 300 किलोग्राम से अधिक विस्फोटक था, लेकिन बाद में इसे 30 से 40 किलोग्राम का घोषित किया गया। इस हमले से सारा देश नम हो उठा और आज भी उस दृश्य की कल्पना कर सभी का मन सहम जाया करता है। कैसे भूले उस दिन को जो बना आत्मघाती, कैसे भूले उन शहीदों को जिन्होंने एक बार फिर से लगा दी अपनी जान की बाजी। जान की बाजी, क्यों नहीं हम भी उनकी शहादत पर नम करें अपनी आंखें आज। क्यों नहीं हम आज फिर भारत के उन वीर पुत्रों को, भारत माता की रक्षा के रक्षकों को आज कहे फिर इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद जय भारत। NBCN उन सभी वीरों को करता है शत शत नमन। NBC न्यूज के लिए रूपा पंडित, ब्यूरो रिपोर्ट।